सहरा हाथी झरना। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और आज निकल रहे हैं हम ब्लॉग शूट के लिए, जो हमारा ब्लॉग रहेगा वाटरफॉल के लिए। और अपने साथ में है अपने भैया बड़े वाले, तो वो भी अब कुछ टाइम बाद में यूट्यूब चैनल चालू कर रहे हैं, तो जो भी रहेगा आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और साथ ही अपनी खड़ी है रानी, और इसका जो आपको बताया जैसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो सही करने के बाद में कपनी रानी कुछ इस टाइप की दिख रही है, जहाँ पे इसका इतना सा काम बाकी रह गया है, बाकी सब सही है। सो गाइस, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि अब कैसी लग रही है अपनी रानी। और अब आगे निकलते हैं धीरे से यहाँ से ब्लॉग शूट होते हुए वाटरफॉल के लिए, जो पास का नज़दीकी जो वाटरफॉल रहेगा वहाँ पर पहुँचेंगे। सो गाइस, करते हैं अब ब्लॉग स्टार्ट यहाँ। सो भाई एक बार हाई कर दो, अब निकलते हैं गाइस आगे के लिए। तो चलो गाइस निकलते हैं अब आगे के लिए, अपन आगे के लिए निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ का जब भी होगा आप इंजॉय कीजिएगा, मज़ा भी आएगा आज के जो। वाटरफॉल जा तो रहे हैं, बट वहाँ पानी है कि नहीं पता नहीं, तो बिना पानी के आगे पाएगा नहीं अपने को। ये मैप ने बताया भैया, मेरे को उज्जैन में बहुत परेशान किया है। हाँ हाँ, कभी कभी गलत बता, जैसे उसका जो अच्छा खासा रूट है ना, वो उस जगह पर सही पहुँचाएगा, और जहाँ पर अगर भटकने वाली चीज़ है ना, वो रूट हमेशा गलत ही होता है। ये रोड की आ जाती है बाई चांस ने कंडीशन ज़्यादा हो जाए। अरे ये रोड पलटा दिया, ये वाला रोड है, ये तो बता रहा जिसका बोलता अभी रोड तुमसे बता रहा था, वहाँ दूसरे कौन से रोड। ये सहरा हाथी झरना, या तो बाइक का रास्ता देखना पड़ेगा। सो गाइस, अब यहाँ से निकल रहे हैं अपन धीरे धीरे पैदल,
खेत में से, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि बाइक यहाँ से जाएगी कि नहीं जाएगी। और भी क्या है, पोनी का टाइम भी है तो दिक्कत वगैरह होगी कभी कुछ लगाएंगे ना तो? लगाएंगे हाँ, तो बुआई होगी ना मेरे खेत में। बाइक ही फंस जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अभी इन्हें क्या बोलते हैं खेत बकरा है ना। सो गाइस, यहाँ का कुछ प्यारा सा व्यू है यहाँ पे, और आगे में काफ़ी गहरा भी लग रहा है, चलते थोड़ा सा आगे में। बट मैं बाइक सेफ नहीं लग रही वहाँ, क्या अपनी बाइक है क्या बोलते, बाहर का होती इधर में वो वहाँ पे झरना उधर, और सब घूम के अगर गए ना तो वो रास्ता दिख रहा है। सो गाइस, ये है जहाँ पे झरना है वो जगह, बट यहाँ से रास्ता आपने को पता है नहीं। झरना गया तेल लेने, झरने में पानी है नहीं। वैसे गाइस यहाँ का व्यू चेक करो, बहुत प्यारा सा व्यू है यहाँ का। झरना मेरे हिसाब से होगा आगे में होगा झरना। वैसे भैया पानी है, हाँ बहुत ज़्यादा है। तो गाइस चेक करो यहाँ का व्यू, यहाँ का कुछ इस टाइप का व्यू दिख रहा है, जैसे वो पहाड़ी है, इधर में एक पहाड़ी, इधर में एक पहाड़ी है, वो वहाँ पे पानी। तो गाइस यहाँ पानी भी अपने को काफ़ी अच्छा सा मिला है, और हाँ ये यहाँ से है झरना, एक लोकेशन बहुत प्यारी है गाइस यहाँ की। वैसे चलो आपको थोड़ा सा नीचे चल के दिखा देते हैं आगे, एक मिनट में आने दो ना। तो गाइस चेक करो यहाँ का, पानी हो चुका है यहाँ पे काला। भैया इधर नीचे आओ। तो गाइस ये चेक करो यहाँ का व्यू, यही है तो गाइस कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ का, जो भी यहाँ पे हम खड़े हैं पेड़ के पास में, यहाँ से पानी रहता है। अभी गाइस फिलहाल पानी यहाँ पे काला पानी का है, नीचे चले गए, नीचे लेकर जाने की जगह नहीं। सो गाइस भले यहाँ पे पानी नहीं है, बट हमको जगह तो यहाँ की मिल चुकी है, और अब कोशिश करेंगे कुछ टाइम बाद में यहाँ पर आने की, जैसे 15 दिन या 20 दिन के आसपास, जब तक पानी भी आ जाएगा यहाँ पे। और गाइस ये अपना भाई है जो अभी वीडियो बना रहा है अपने मोबाइल से, और मेरे पास उसका कैमरा है, मोबाइल तो मेरे जेब में रखा हुआ है। हम छोटे इंसान, छोटा कैमरा है, साथ में हेलमेट है, क्योंकि अब लग रही है हमें धूप तो हेलमेट लगाते हैं। और गाइस अब यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड, और आप चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो को फुल वॉच करना है। सो अब यहाँ से निकलते हैं हम वापस अपने घर की।